चार दिवसीय विदेश यात्रा से अपनी धर्म पत्नी सह मुखिया पूनम जायसवाल के साथ लौटे पर्यावरणविद कौशल किशोर को उनके लोगों ने भव्य स्वागत किया। श्री कौशल को रजिसियन कंट्री अजरबैजान में आयोजित समारोह में अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिससे उनके लोगों में खुशी का माहौल है। रशियन कंट्री से अलग हुए अजरबैजान की राजधानी बाकू के होटल मेरियट में समान समारोह का आयोजन किया गया था। समान समारोह का उद्घाटन विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु वनराखी मूवमेंट के प्रणेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल और धर्म पत्नी व डाली पंचायत के मुखिया पूनम जायसवाल, अजरबैजान देश के टूरिस्ट सेल के डायरेक्टर रोशन मोनिका लुइस खंडवानी के साथ संयुक्त रूप से किया था। समारोह के उद्घाटन के उपरांत पर्यावरण धर्म के अनुसार अतिथियों को पौधा देने का विधान है। इसी तहत कर्नाटक का चंदन और हिमाचल का कपूर का पौधा पर्यावरणविद कौशल व मुखिया पूनम के द्वारा सभी अतिथियों को भेंट किया गया। अतिथियों ने कपूर के पौधा के पत्ते को टुकड़ा कर सूंघने पर बहुत प्रसन्नता जाहिर की। इस अवसर पर अतिथियों ने पर्यावरणविद को बधाई देते हुए ट्री मैन से संबोधित किया। ट्री मैन कौशल सभी लोगों को बताया कि वे अपनी जन्मभूमि पर अपने निजी खर्चे पर भारत के झारखंड राज्य के पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल के डाली बाजार पंचायत के कौशल नगर में विश्व का पहला पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य आखिरी चरण पर है। उसका उद्घाटन राज्यपाल के द्वारा होना तय हुआ है। उन्होंने वहाँ के लोगों को उस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। वनराखी मूवमेंट के प्रणेता कौशल ने अजरबैजान देश की राजधानी बाकू के लिटिल वेनिस में आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरणविद कौशल ने बताया कि उनके द्वारा चलाए गए निःशुल्क पौधारोपण अभियान वनराखी मूवमेंट का 48वां और पौधा बीरन का वरोपण का 18वां वर्ष पूरा होने पर वहां भी संस्था का विस्तार किया, जिसके साथ अजरबैजान के राष्ट्रीय अध्यक्ष समरीन जेदी और मोनिका लुइस उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर पौधा का वितरण वृक्ष पर रक्षाबंधन किया गया। चार दिवसीय विदेश यात्रा से लौटे में घर में परिजनों व शुभ चिंतकों ने पर्यावरणविद कौशल व मुखिया पूनम का भव्य स्वागत किया। मौके पर प्रोफेसर अरुण कुमार जायसवाल, छतरपुर से जिला परिषद अमित कुमार जायसवाल, कमल जायसवाल, शिल्पा जायसवाल, आराध्या जायसवाल, अशिविका जायसवाल, आद्रिका जायसवाल और अनुषा जायसवाल मौजूद थे। रशिया के से अलग हुआ है अजरबैजान देश, जिसका उसका राजधानी है बाकू। बाकू में चार दिन तक हम वहाँ पर रहे और लोगों ने वहाँ पर लोग घुमाया। वहाँ पर देखने को ये मिला कि जो रशियन कंट्री से जो है एक ऐसा कंट्री जो इंजीनियरिंग में बहुत आगे है। वो एक म्यूजियम हम जब गए देखने के लिए तो सैकड़ों गाड़ी वहाँ पर लगे थे ऐसे, जो एकदम बिल्कुल ओल्ड मॉडल थे और वो बहुत सुरक्षा से रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि उसका गाड़ी का चक्का जो है चैन लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है स्पोक लगा हुआ है, एक सिंगल कार बना हुआ है, वो सब म्यूजियम में रखा हुआ, सब ओल्ड मॉडल बहुत पहले के मॉडल हुआ है। और वहाँ पर एक ठंडा मुल्क है, मतलब ज़्यादा ठंडा है तो नॉर्मल है। वहाँ के आदमी की भी देखे कि लगभग हाइट लगभग थोड़ा बहुत कम बेसी है। और वहाँ देखने में क्या मिला कि वहाँ हर एक कलर के लोग के कपड़ा पहनते नहीं देखा, साधारण कपड़ा एक एक कलर लगता है, बस 19-20 एक ही कलर के, और जो भी पोशाक है लड़का हो लड़की हो इतनी कुछ भी सब यही पहनते हैं वहाँ का। और वहाँ मुझे जो देखने को मिला कि जो वहाँ पर जिस तरीका से जो मकान का जो बनाने का जो बनावट है इंजीनियरिंग लाइन का, कि मकान के और मानव के कपड़ा का लगभग एक ही कलर है मिलता जुलता, और यह इज्जत कदर किया गया लोग वहाँ को ट्री मैन का, ट्री मैन के नाम से जो गूगल से जाना हो गया। और वहाँ पर हमको अवार्ड मिला जीवन का 53वां अवार्ड और विदेशी धरती पर तीसरा अवार्ड, और इस वर्ष 2024 का दूसरा अवार्ड मिला। इस अवार्ड से मिलने से हम अपने जीवन में यह महसूस किया कि जो लोग अपने कोई भी कार्य जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसे निराश ना हो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं होता और अच्छा काम का फल भी अच्छा मिलता है। आज मुझे देश विदेश वहाँ पर, अब बताइए वहाँ पर कार्यक्रम का उद्घाटन, एक लेबरेशन का मेरे उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये छोटी बात नहीं है। और हमारे साथ हमारे धर्म पत्नी और ग्राम पंचायत डाली बाजार के मुखिया, वो भी हमारे साथ गए थे, वो भी कार्यक्रम को वहाँ का उद्घाटन करवाया। जो अजरबैजान के जो टूरिस्ट के डायरेक्टर थे और विश्व का साउथ ईस्ट का वो इंचार्ज थे, उन्होंने जब हम कपूर के पौधा उनको दिए उस स्मॉल को सुन करके उन्होंने ट्रीमैन उन लोग बोलने लगे कि क्या अच्छा बात है, क्या सेंटेड है इस पौधा में है। तो हमने उनको बताया कि भारत के
में झारखंड के पलामू जिला के छतरपुर थाना के ग्राम पंचायत डाली बाजार के कौशल नगर मेरा जन्मभूमि है और दुनिया का पहला पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर बना रहे हैं। इसका जो उद्घाटन महामहिम राज्यपाल के द्वारा करना है तो आने का उनको निमंत्रण भी दिया है और संस्था का विस्तार करते हुए हम वहाँ पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष अजरबैजान ने वहाँ भी चयनित करके आया है और हम इस साल का निःशुल्क पौधा वितरण सर्वोपन के 58 साल और पर्यावरण धर्म बंदाकी मूवमेंट के 48 साल पूरा होने के उपरांत इस वर्ष का जो कार्यक्रम का शिविर का उद्घाटन हम अजरबैजान से किया है जबकि पिछले वर्ष का उद्घाटन जो है हम मलेशिया और सिंगापुर से किए थे। विश्व के सामने 6 बड़ी समस्याएं हैं, पर्यावरण समस्या, प्रदूषण समस्या, जल समस्या, आतंकवादी समस्या, बेरोजगारी समस्या। हमारे देश में बेरोजगारी समस्या एक वो मेरा ही देश में सभी जगह बेरोजगारी समस्या है लेकिन उसका निदान केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है, सबको आना होगा आगे। लोग अपना धर्म के साथ साथ पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों के तहत अगर काम करें, लोग शहर में आकाश पास गाँव में वृक्ष खेती करके अपना युवाओं को रोजगार मिल सकता है। एक मानते हैं कि अगर जिनके पास ज़मीन है वो 1 एकड़ में लगा दे फलदार बगीचा, हर साल वो मिलते रहेगा, और मानते हैं कि इमारती पौधा लगाते तो एक समय एक साथे पैसा मिलेगा। तो वृक्ष खेती करें, वृक्ष खेती से मेरा अकाल सुखाड़ का भय नहीं है, किसानों को फिक्स डिपोजिट के समान है और मैं पुत्र साथ छोड़ सकता है परंतु पेड़ नहीं। जो किसान आज पौधा लगाए हैं वो पौधा पुत्र साथ समय पर उनका बेटा पुत्र खाना पीना देना बंद कर सकता है लेकिन बगीचा जो लगा देगा जो व्यक्ति या प्लांटेशन लगा देगा तो वो कंटिन्यू जो है पर्यावरण के लाभ आसमान के ऊंचाई और समुद्र के गहराई के समान होगा और जो किसान लगाएगा उसको आर्थिक लाभ मिलेगा। इसलिए मैं युवाओं से आग्रह करेंगे कि आप वृक्ष खेती कीजिए और वृक्ष खेती से हम आप अपना बेरोजगारी जो है दूर कर सकते हैं और जो प्रदूषण की आग पूरी दुनिया में लगी है उस आग को बुझाने में कामयाबी मिलेगी क्योंकि हमने मानव जैसी खतरनाक शत्रु से आज़ादी तो पार ली है इस देश के नौजवानों शहीदों की मदद से, लेकिन प्रदूषण नामक शत्रु के से आज़ादी लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए अभी दूसरी आज़ादी जीतने के लिए अभी बाकी है और इस आज़ादी को जीतने के लिए हमको गोली बारूद और मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं है। पौधा रूपी मिसाइल को हम धरती पर लगा करके प्रदूषण नामक शत्रु पर हम काबू पा सकते हैं।